हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वन हैंड पुशअप कैसे करें। ठीक है, वन हैंड पुशअप के लिए सबसे पहले तो आपको 30 या 25 पुशअप आने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करने हैं पुशअप्स। आपको चेस्ट को टच करके आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, और आपके एल्बो को भी सीधा रखने का है। 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आपको 20 या 25 पुशअप आने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो चलो मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो पहला स्टेप है अपना कि आपको किसी हाइट पे सिंगल हैंड पुशअप की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको इतना हाइट लेना है जहाँ पे आपने 8 से 10 रेपिटेशन कर सको। ठीक है, तो अपने लेग्स को थोड़ा ओपन रखें, उसके बाद हाथ को पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको इसको मिनिमम 8 से 10 रेपिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, 3 सेट करना है अपने पर। ठीक है, तो चलो आपको सेकंड स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। सेकंड स्टेप है अपना, आपको ग्राउंड पे आ जाना। ठीक है, ग्राउंड पे आपको सपोर्ट के साथ वन हैंड पुशअप की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने लेग्स को ओपन रखना है ताकि आपका वेट डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इस पोजीशन पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस हाथ से उतना ही सपोर्ट लेना है, हेल्प लेना है जितने आपको ज़रूरत पड़े। जैसे समझ लो आप 80% इस हाथ से करोगे तो 10% या 20% इसके हाथ का हेल्प लेने का आपको। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपको दोनों हाथों से करना है। ठीक है, नहीं तो आपकी एक हाथ मजबूत बन जाएगी और एक हाथ ऐसे ही रह जाएगी, वीक रह जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप है अपना, ग्राउंड पे आना है आपको। जैसा आपने पहले सेकंड स्टेप पे किया कि आपने 10% ही हाथ का सपोर्ट लेना है, इसमें भी आपने नी का सपोर्ट लेना है। ठीक है, राइट नी को ज़मीन पर रखना है और इस हैंड को यहाँ पर। ठीक है, और लेफ्ट लेग जो है आपका बाहर फैला देना। ठीक है, और इस हाथ को यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है सिंगल हैंड पुशअप की, ऐसे। ये नेगेटिव पुशअप के जैसा रहेगा, आपको स्लो नीचे जाना है। ठीक है, नीचे आके पूरा छोड़ देना है, फिर ऊपर आना है, फिर आपने नेगेटिव पुशअप करना है, ये फिर पूरा छोड़ देना है आपने। जितना हो सके आपसे नीचे स्लो जाना है, फिर आपने पूरा छोड़ देना है। तो इसके भी आपको 8 से 10 रैप करना है। ठीक है, देखो मेरा हालत क्या हो गया आपको बताने के चक्कर में, मेरे पास कुछ था नहीं है बिछाने के लिए। तो आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है इसके। ठीक है, इन तीनों स्टेप को आप फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप की प्रैक्टिस किया करो। पहले आपको मिनिमम 25 पुशअप तो आने चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप पुशअप अच्छे से सीखो, फिर आप इस पर आना। तो बस इतना ही, ये बताऊंगा कि आपने इन सब की प्रैक्टिस हफ्ते में 3 ही बार करना है। ठीक है, और पुशअप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बस, और पुशअप पे आप ज़्यादा ध्यान दें। पहले पुशअप पे काम करना, उसके बाद ही आपने वन हैंड पुशअप पे आना है। ठीक है, जब आपकी पुशअप सही हो जाएगी, 25 पुशअप आप कर लोगे ईजिली, तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, 1-2 हफ्ते में आप सीख जाओगे इसको। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I'm